जय श्रीमान नारायण। अगली टिप्पणी जाको हम कहेंगे वह रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 33। अधचेत्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापं अवाप्स्यसि। ओम। श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका शिक्षा देते हैं। परमात्मा कहते हैं, अर्जुन ये घोषणा कर कि तू युद्ध न करबा। ये घोषणा करे के समान है कि तू अपने वृत्ति धर्म या अपने व्यवसाय के धर्म के पालन न करबा। हम तो का पहले का कह रहे, हम तो उसे कह रहे कि यदि तू नियमित रूप से व्रति या व्यवसाय धर्म का पालन करत रहा तो तू मोक्ष प्राप्त करबा। यदि तू अपने वृत्ति धर्म का पालन ना करबा तो तुका मोक्ष न मिले। ये आपके पहला नुकसान है। तो आज दूसरा नुकसान ये है कि जब आपन पेशा वृत्ति या क्षत्रिय धर्म नहीं करता तो एक मतलब है कि तू अपन वृत्ति खो देबा। ये दुनिया तब तो का क्षत्रिय के रूप में ना पहचानी, तब तू अपने क्षत्रिय हो के योग्यता अधिकार खो देबा और अपन वृत्ति खो देबा। ये तुम्हारा दूसरा हानि है। तुम्हारा तीसरा नुकसान ये है कि यदि तू इस युद्ध में न लड़ा तो ये दुनिया में जो प्रशंसा करते हैं कि अर्जुन एक महान नायक हैं, वो प्रशंसा खो देबा। तुम्हारा चौथी हानि है कि जब नियमित रूप से वृत्ति या व्यवसाय न करबा तो तुम्हें भयानक पाप लागे। ये तुम्हार चौथा नुकसान है। जब अर्जुन ये घोषणा कहें कि हम इस युद्ध में न लड़ब तो भगवान श्री कृष्ण इस निर्णय से होए वाली हानियन के व्याख्या करत रहन। उन्हें केवल अर्जुन का नुकसान के बारे में सिखावत रहन बल्कि समाज का भी उन्हें किस तरह से नुकसान के सामना करे पड़े ये सिखावत रहन। इस श्लोक के माध्यम से जौन संदेश और पाठ हमें समझे के चाहिए और अभ्यास करे के चाहिए वो ये है कि जब कि हमें ये याद रखे चाहिए कि जब हम अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से अपनी वृत्तियन या व्यवसाय का करीत छोड़ दी थी तो हमका इन चार नुकसानन का भी सामना करे के पड़त है। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमार तीसरा वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमार चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब।
हमारा पांचवा वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकं शरणं व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपे के शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मां शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है, हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है, जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन आठ वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अधचेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापं अवाप्स्यसि। ओम। अध चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापं अवाप्स्यसि। ओम। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा, तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।